हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के क्या कॉमन कारण हो सकते हैं। ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल संबंधित हमने डिटेल वीडियो किया है, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हमारे प्लेलिस्ट पे पूरे बने हुए हैं कोलेस्ट्रॉल और डिस्लिपिडीमिया का, उस पर आप देख सकते हैं। अलग अलग एस्पेक्ट्स को हमने कवर किया। आज स्पेसिफिकली बात करेंगे क्या कारणों से लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली कारणों को हम समझ सकेंगे तो उसका निवारण को भी समझ सकेंगे। कुछ कारण इरिवर्सिबल होते हैं, उनको पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते, पर जो ट्रीटेबल चीज़ें हैं जिनको मैनेज किया जा सकता है, उनको अगर हम प्रॉपर मैनेज करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल का चांस कम होगा। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होने के क्या कारण होते हैं, आज इस पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। सबसे पहला है कि कुछ लोग का जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से लोगों का कुछ का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। यानी बॉडी का एक तरह से मेटाबॉलिज्म इतना गड़बड़ होता है, एंजाइम्स बनने का जो बॉडी में सिस्टम होता है जेनेटिक लेवल पे, वही इतना गड़बड़ होता है कि वो अलग तरह से कोलेस्ट्रॉल को मैनेज नहीं कर पाते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो नॉर्मल बनने का प्रोसेस है वो फॉल्टी रहता है, जिसकी वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। तो जेनेटिक कंपोनेंट, खासकर जिनको फैमिलियल डिस्लिपिडीमिया है या फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया है, उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इनके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें हर एक टाइप में अलग अलग तरह के कोलेस्ट्रॉल के कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं, अलग अलग एंजाइम्स की प्रॉब्लम होती है, अलग अलग जीन्स का म्यूटेशन होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, हालांकि बहुत रेयर है, बहुत अनकॉमन है, पर फिर भी होता है, काफ़ी पेशेंट्स में देखने को मिलता है। तो उनको ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पेशेंट दवाइयों को भी इतना इजीली रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, मैनेज करना ज़्यादा टफ पड़ता है। पर कंपेरेटिवली अनकॉमन है, इसलिए इतना बड़ा इशू नहीं होता है इनके साथ। ज़्यादातर पेशेंट्स को तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता जेनेटिक, लेकिन हाँ, ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म थोड़ा बहुत जीन्स द्वारा मॉड्यूलेट होता है, इसलिए अगर किसी का जेनेटिक प्रॉब्लम है तो उनको ज़्यादा तकलीफ आएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू है डाइट का। जो लोग डाइट में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाएंगे, खासकर एनिमल बेस्ड फूड लेते हैं, रेड मीट, एग योक, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, इस तरह की चीज़ें लेते हैं, एनिमल फूड ज़्यादा लेते हैं, उनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा। कंपैरिजन में अगर कोई ताज़ा फल सब्जी ज़्यादा ले रहा है, होल ग्रेन्स ले रहा है, लीन प्रोटीन ले रहा है, फैट फ्री चीज़ें ले रहा है, उसको कोलेस्ट्रॉल कम होगा, जीरो नहीं होगा। काफ़ी लोग का एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि जीरो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा अगर आप सिर्फ वेजिटेरियन है, तो क्योंकि एनिमल फूड में कोलेस्ट्रॉल होता है, प्लांट फूड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। ये जानना और मानना समझना ज़रूरी है कि बॉडी में बनने वाला 70-80% कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी खुद ही बनाती है लिवर में। आप जीरो ऑयल भी अगर खाओगे, जीरो कोलेस्ट्रॉल भी खाओगे, तो आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 70-80% कोलेस्ट्रॉल बॉडी खुद ही बनाती है, जिसको हम दवाइयों से एडजस्ट ज़रूर कर सकते हैं, दवाइयों से उसके बनने को ज़रूर रोक सकते हैं, लेकिन सिर्फ खान पीने से नहीं रोक सकते। क्योंकि खाने पीने में चाहे फैटी एसिड जा रहा है, चाहे कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, चाहे शुगर जा रहा है, सब कुछ को बॉडी कन्वर्ट करके फैटी एसिड जितना उसको ज़रूरत है बना सकती है, कोलेस्ट्रॉल बना सकती है। तो इसलिए बॉडी की वो कैपेसिटी को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए सिर्फ डाइट को कंट्रोल करने से कोलेस्ट्रॉल पूरी तरह कंट्रोल नहीं होगा, हाँ 20-30% मदद आपको मिलेगी अगर आप डाइट को प्रॉपरली मैनेज करें तो। नेक्स्ट है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज। जो लोग रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज नहीं करते उनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं, एटलीस्ट हफ्ते में 150 मिनट यानी 30 मिनट्स पर डे, हफ्ते में 5 दिन, इतना मिनिमम एक्सरसाइज आपको हर हफ्ते करने की ज़रूरत है। आधा घंटा डेली 5 दिन हफ्ते में इतना आप करिए, हफ्ते में 1 या 2 दिन रेस्ट रखिए। मेरा रिकमेंडेशन तो है कि डेली करना चाहिए, चलिए फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे, 1 या 2 दिन रेस्ट लेना भी चाह रहे तो भी ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आधा घंटा डेली एक्सरसाइज होना चाहिए। नेक्स्ट है कि वज़न ज़्यादा होना, यानी ओबेसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से लोग को कोलेस्ट्रॉल होता है। ऐसा नहीं है कि हर मोटे व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, और ऐसा नहीं है कि हर दुबले पतले व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, पर थोड़ा बहुत एक तरह का प्रोपोर्शनेशन होता है, क्योंकि जितना बॉडी फैट है उसके कंपेरिजन में वो फैटी एसिड्स को मॉडिफाई करके कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बना सकती है बॉडी। तो अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज़्यादा होने का चांस ज़्यादा है, गारंटी नहीं है, तो आपको बॉडी वेट को कम रखना चाहिए। ओबीस जो लोग हैं उनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी भी बॉडी में एक तरह से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता है। कोलेस्ट्रॉल बॉडी में उनमें डिपोजिशन भी ज़्यादा होता है, कि बॉडी में उल्टा इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन ज़्यादा बनते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन एक तरह से ज़्यादा होता है, जिससे नलियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने का चांस भी बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल बनने का चांस भी बढ़ता है। और नॉर्मल या गुड कोलेस्ट्रॉल भी जो है वो भी कुछ हद तक स्मोकिंग से कम होता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी, स्मोकिंग बंद कर देंगे तो प्रॉब्लम्स कुछ हद तक बेटर होंगी। नेक्स्ट है कि डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। इनफैक्ट नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी करो तो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन नली में होने का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है। हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड ब्लॉकेज का प्रॉब्लम या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस नॉर्मल व्यक्ति से 4 से 5 गुना ज़्यादा होता है डायबिटिक पेशेंट्स में। तो इसलिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो कोलेस्ट्रॉल साथ में कैरी पैकेज में साथ में ही आएगा,
तो डायबिटीज़ को अगर आप अच्छा कंट्रोल करोगे तो कुछ हद तक आपको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, पूरी तरह से नहीं पर हाँ कुछ फ़ायदा मिलेगा। डायबिटीज़ वाले पेशेंट को ज़्यादा ध्यान सावधानी रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि जैसे लोगों का एज बढ़ते जाता है उस तरह से लोगों का कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ते जाता है, कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे करके इफेक्ट होता है, इसलिए उनको एज वाले पेशेंट को ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा फीमेल जेंडर में कंपेरेटिवली कोलेस्ट्रॉल कम होता है क्योंकि बॉडी में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो आपको कोलेस्ट्रॉल से बचाता है, तो जब तक महीना आना चालू रहता है या मेनोपॉज नहीं आ जाता तब तक कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कुछ हद तक बेटर कंट्रोल होते हैं फीमेल पेशेंट्स में, और एक बार महीना आना बंद हो जाता है यानी मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल्स शूटअप होते हैं क्योंकि बॉडी का एस्ट्रोजन लेवल्स ड्रॉप हो जाता है। इसलिए फीमेल जेंडर में कंपेरेटिवली हार्ट डिजीज से प्रोटेक्शन रहती है मेनोपॉज से पहले तक, एक बार मेनोपॉज आ जाए तो उसके बाद फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि मेडिकेशंस पे डिपेंड करता है, कुछ लोग जो स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, पेशाब बढ़ाने वाली दवा, डायरेटिक्स ले रहे हैं, बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं और कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले रहे हैं, ये भी हाई कोलेस्ट्रॉल कर सकती है, और ऑब्वियसली जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाएं वो लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा। तो किस तरह की मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं उस पर भी कई बार आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डिपेंड करता है। जो मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है जैसे नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, स्टीरॉइड्स, डायरेटिक्स और कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल लेवल को अफेक्ट करती है, तो उनको आपको ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए और कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली मेडिसिन को लेना चाहिए। नेक्स्ट है कि फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रॉल में एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जो कुछ पेशेंट्स में देखने को मिलती है, ये भी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो सकता है, तो जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम है उनको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को क्लियर करने के लिए प्रॉपर थेरेपी लेने की ज़रूरत है। इसमें इतना हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल तक लोगों को हो जाता है कि वो दवाओं से मैनेज ना हो पाए, ऐसा भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल 300-400 तक एलडीएल चला जाता है या उससे भी ज़्यादा चला जाता है, हज़ारों में भी चला जाता है, तो कई बार फिर लोगों को एलडीएल एफेरेसिस करनी पड़ती है यानी डायलिसिस करके कोलेस्ट्रॉल को हटाने की ज़रूरत भी पड़ती है, चूँकि एक कंबरसम प्रोसेस है हर पेशेंट में नहीं कर सकते हैं, तो उसको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। रेयर बीमारी है पर फिर भी कुछ लोग को देखने मिलती है, जब होती है तो मैनेज करना टफ पड़ता है। नेक्स्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म में भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, जिन लोग को थायरॉयड का प्रॉब्लम है, थायरॉयड कम है उनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है क्योंकि थायरॉयड हार्मोन जो है बॉडी के कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को मॉडिफाई करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो जिनको भी थायरॉयड प्रॉब्लम है उनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। पेशेंट्स में किडनी का अगर तकलीफ है तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होगा, किडनी की प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स में भी एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल ब्लड में रहता है, तो किडनी वाले पेशेंट्स को भी ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। प्रेगनेंसी के दौरान भी फीमेल पेशेंट में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को गड़बड़ कर सकते हैं, जिससे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो सकते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं उनकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होते हैं, तो ये भी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रीब्यूट करता है, ज़्यादा अल्कोहल पीने से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकते हैं, तो आपको इसको भी जहाँ तक पॉसिबल है अवॉइड करना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन सी चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है, इसलिए इनको अगर हम प्रॉपरली कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे, ट्रीट करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो जाएगा। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरीज, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मैं मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। जो लोग भी हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियोज़ नहीं देखना चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पर हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक का 1 मिनट में ब्रीफ समरी हम आपको दे देते हैं। इसको इंपॉर्टेंट फीचर्स की तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ टिप्स की तरह अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। इनको हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील्स में भी अपलोड कर रहे हैं, तो इसको भी आप अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं और वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं, तो आपको रेगुलर इस तरह के हेल्थ टिप्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।